हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल अलायंस। मैं आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। फ्रेंड्स, एंजल नंबर्स के लिहाज से काफ़ी सारी वीडियो मैं बना चुकी हूँ चैनल पर, आप देख रहे होंगे। बट यस, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज मैंने डिस्क्लोज करने हैं। जैसे कि कुछ जो स्पिरिचुअल जर्नी में और ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं सोल्स, वो कहते हैं कि जिन भी व्यक्ति से वो जुड़े हुए हैं, चाहे वो उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हों या नॉर्मल जो हाई लेवल के सोलमेट होते हैं, ठीक वो हों, तो उनके स्पेसिफिक कुछ सिंक्रोनिसिटी होती रहती है। उनके कुछ नंबर का, उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर का कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्शन, क्या उनके नाम का कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्शन सिंक्रोनिसिटी आपको होती रहती है। उनके डेट ऑफ बर्थ के कुछ स्पेसिफिक जो नंबर्स होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ नज़र आता है, ठीक है, डेट ऑफ ईयर, डेट ऑफ मंथ काफ़ी नज़र आता है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है, दैट मीन्स आपको ये समझ लेना चाहिए कि इस समय पर आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में या तो सोच रहे हैं या आपको इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके साथ में किन्हीं चीज़ों के ऊपर में गहराई से कोई चीज़ों को कंक्लूड डिकोड करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरह का प्रोजेक्शन होता है जब भी आपको अपने डीप कनेक्टेड वाले व्यक्ति का कोई सिंक्रोनिसिटी ऐसा होता रहा है। मानकर चलिए आप दोनों का जो सोल है वो सेम वाइब्रेशन पर फ्रिक्वेंट कर रहा है, फ्रिक्वेंसी जो है दोनों सोल्स की सेम हो चुकी है। ये दोनों तरीके की सोल में होता है। ट्विन फ्लेम्स के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जी थोड़ी इंटेंस होती है, ठीक है जी। स्पिरिचुअल जर्नी में भी जो लोग हैं उनके साथ में भी होता है। हाँ, और 3D के जो सोल्स हैं, मुझे कहना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है कोई भी ऐसे जो कि इन सारी चीज़ों को फील आज तक कर पाए हैं। होता उनके साथ में भी है पर वो फील नहीं कर पाते उतना, क्योंकि वो अवेयरनेस उस लेवल की नहीं हो पाती है, ठीक है जी। तो स्पिरिचुअल जर्नी एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में इस तरीके की सिंक्रोनिसिटी अगर हो रही हो तो मानकर चलिए आप दोनों का जो सोल है वो सेम वाइब्रेशन में इस समय पर है, और आप लोग जो सोच रहे हो वो भी सेम है, मोस्ट प्रोबेबल वो भी सेम है। सेम टॉपिक के ऊपर आप सोच रहे हो, सेम सिनेरियोज के ऊपर आप सोच रहे हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है एक टाइम पर, ठीक है। सेम चीज़ें आपने इस समय के दौरान आसपास आप फील करते होंगे कि जो आप सोच रहे हो वो आपके पर्सन ने कह दिया, ठीक है। आपने बस सोचा पर आपके पर्सन ने कह दिया, जो आपने सोचा करने के लिए मैं ये करूँगी या मैं इस तरीके का कोई एक्ट करूँगी, वो आपके पर्सन कर देते होंगे, ठीक है, कह देते होंगे या कर देते होंगे इस तरीके। रीज़न क्योंकि वाइब्रेशन सेम होने के कारण आपको सब कॉन्शियसली कनेक्टेड हो जाते हो। कनेक्शन होने के नाते आप जो एक व्यक्ति जो भी कह रहा है सोच रहा है वो एनर्जी दूसरी तरफ रिसीव करता है और उस तरफ वैसा प्रोजेक्ट फिर करता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको ये सिंक्रोनिसिटी होती है। ये बस तभी होता है जब आपको कम से कम 2 से 2.5 महीने, ठीक है, 2 से 2.5 महीने के आसपास में जब आपको ये सिंक्रोनिसिटी हो गई, यानी कि 2 से 2.5 महीने हो गए कंटिन्यूस आपको ये सेम अपने पर्सन का नाम, कोई नंबर, कोई डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी ऐसा, उनके उनका फेवरेट कलर, उनका उनके कोई फेस के फीचर्स, कुछ इस तरीके की सिंक्रोनिसिटी बार बार हो रही है, ठीक है जी। ये तभी पॉसिबल होता है। तो बहुत सारे सोल्स जो इसको अपने अलग अलग ढंग से लेते हैं, बट इसके जो रियल मीनिंग होते हैं वो यही होते हैं। अच्छा, जो भी एक दो बार सिंक्रोनिसिटी हुआ है उसका कोई मीनिंग नहीं है डियर। अगर ये कंटिन्यूस बना हुआ है, ठीक है, कंटिन्यूस अगर ये बना हुआ है एक महीने से, सवा महीने से, डेढ़ महीने से, उसके बाद ही इसके कुछ जो मीनिंग्स होते हैं इस तरह इंटेंस होते हैं जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको डीप क्लैरिटी मिली हुई। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।